Hey everyone, my name is Mohit Prajapati. Welcome back to my channel Banking Directions. So guys, this is the part 4th of simplification series. ये सीरीज मैंने स्टार्ट करी थी उन बच्चों के लिए जिन बच्चों को काफी प्रॉब्लम आ रही थी सिंप्लीफिकेशन क्वेश्चंस को सॉल्व करने में, काफी टाइम लगा रहे थे वो। तो इसमें मैं आपको स्पीड मैथ्स के बारे में भी काफी बताया है और किस तरीके से नंबर्स को कैलकुलेट करते हैं, परसेंटेज को कैलकुलेट करते हैं, सभी कुछ मैं बता के चलता हूँ। तो काफी इंपॉर्टेंट सेशन रहे हैं पिछले तीन और काफी बच्चों को काफी कुछ सीखने को मिला है उन सेशन से, क्योंकि कमेंट्स मैंने एनालाइज किए हैं तो काफी बच्चों ने कमेंट्स किया और बच्चे कह रहे थे कि फ्रैक्शन वाले और डेसिमल वाले क्वेश्चंस भी मुझे कराने चाहिए। तो इस वीडियो में मैंने फ्रैक्शन और डेसिमल के क्वेश्चंस लिए हैं, तो ये सेशन भी काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है आपके लिए। तो वीडियो को कंप्लीट देखना दोस्तों, और आपने अगर पार्ट वन, पार्ट टू, पार्ट थ्री नहीं देखे तो वो भी देखिए, उसमें आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा डेफिनेटली। उनकी लिंक जो है आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में, और प्लेलिस्ट भी बना रखी है मैंने, तो आप प्लेलिस्ट में भी जाके देख सकते हैं चैनल पर। और दोस्तों, जो बच्चे भी आरआरबी पीओ एंड आरआरबी क्लर्क की तैयारी कर रहे हैं, तो आप दोस्तों ग्रैंड बंडल पीडीएफ कोर्स परचेज कर सकते हैं गाइडली का, जो कि एक बहुत ही बेनिफिशियल कोर्स रहेगा आपके लिए। आपको प्री प्लस मेंस दोनों के प्रैक्टिस करने के लिए यहाँ से नंबर ऑफ क्वेश्चंस मिल जाएंगे, 70,000 प्लस क्वेश्चंस इस पीडीएफ में अवेलेबल रहेंगे। लैंग्वेज भी आपको हिंदी एंड इंग्लिश दोनों मिलेगी यहाँ पर, बिल्कुल एग्जाम लेवल कॉन्टेंट है दोस्तों। आप जब प्रैक्टिस करेंगे आपके अंदर इंप्रूवमेंट भी आएगी, और यहाँ पर आप क्विज भी लगा सकते हैं उन क्वेश्चंस का, टाइमिंग के साथ आप क्विज दे सकते हैं आराम से। दोस्तों, जब आप ये परचेज करें तो कोड लगाना मत भूलना, दैट इज BD26, तो आपको 12% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा जैसे ही आप ये कोड अप्लाई करेंगे BD26। तो कोड लगाना मत भूलना बिल्कुल भी, और इस पीडीएफ कोर्स को आप बाय कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और लिंक पर क्लिक करिए एंड इसको बाय करिए। तो दोस्तों देखो, फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। फर्स्ट क्वेश्चन लिया है मैंने फ्रैक्शन का, फ्रैक्शन ये है मिक्स फ्रैक्शन। देखो ये मिक्स फ्रैक्शन होती है, ये मिक्स फ्रैक्शन होती है। अब इसको किस तरीके से सॉल्व करते हैं, मैंने पहले भी बताया हुआ, पहले भी मैंने क्वेश्चन कराया हुआ है। ये मिक्स फ्रैक्शन जैसे ये लिखा हुआ है ना 3 of 1/4, ये एक्चुअल में क्या है, ये रिप्रेजेंटेशन ये करता है 1/4, 3 + 1/4, इसकी रिप्रेजेंटेशन ये होती है एक्चुअल में। तो हमें इसको सिर्फ इस तरीके से देखना होता है, तो हमारा क्वेश्चन बहुत ज्यादा इजी हो जाता है। अब देखो फटाफट इसको किस तरीके से करेंगे। देखो इसको क्या देखा, सबसे पहले ये इंडिविजुअल नंबर देखो आप, ये 3 है, ये 2 हो जाएगा, ये -1 हो जाएगा और ये +1 हो जाएगा। इसको भी इधर को लेके आ जाओ, लेफ्ट हैंड साइड में लेके आ जाओ, तो ये भी इधर आके -1/5/12 हो जाएगा, ठीक है। अब तुम्हारे पास इंडिविजुअल अगर नंबर देखे जाए तो आपके पास 3 बचा है, ये +2 बचा है और ये -1 और ये वाला -1। अब इनको सॉल्व करोगे तो क्या आता है, देखो 3, 2, 5 हो गया, और दो इसमें से ये -4 और -1 गया, तो कितना बचा, 3 बचा। तो आपके पास इंडिविजुअली 3 बचा, तो आप बस ये 3 दिमाग में रखो, ठीक है, इन नंबर्स को सॉल्व। अब फ्रैक्शन वाले नंबर पे आ जाओ, फ्रैक्शन वाले क्या बचे, 1/4 बचा, 1/2 बचा एंड -5/6 और ये -5/12। अब ये सारे नंबर्स बचे हैं हमारे पास, क्या क्या नंबर्स बचे हैं, अगेन देखो क्या क्या नंबर्स बचे हैं। ये 3 तो हमने इंडिविजुअल नंबर्स को सॉल्व करके निकाल लिया, फटाफट आपको इसी तरीके से निकालना था। अब देखो क्या क्या नंबर बचे हैं, ये बचे हैं 1/4 + 1/2 - 5/6 और ये वाला नंबर भी इधर ही आ गया था, तो -5/12। इसको हमने सिंगल इधर छोड़ रखा है राइट हैंड साइड के अंदर, इसको अभी बिल्कुल नहीं आपको कुछ करना है। अब देखो इसे सॉल्व कैसे करेंगे, सबको आपको पता है नंबर्स का सब एलसीएम कितना है, 12। फटाफट 12 से यहाँ मल्टीप्लाई करते हुए चले जाओ और सॉल्व करते हुए चलाओ। देखो यहाँ 12 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा, 3 आएगा, 3 आ गया यहाँ पर। यहाँ करोगे 12 से मल्टीप्लाई, यहाँ पर 6 आ जाएगा, 2 से जैसे 12 को काटोगे 6 आ जाएगा, तो कितना हो गया, 3 + 6 = 9 हो गया। फटाफट इनको भी प्लस कर लो, क्योंकि आपको लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी जब आप इस तरीके से चलते करते हुए चलोगे। यहाँ पे कितना आएगा, 2 आएगा, 6 से 12 काटोगे कितना आएगा, 2 और 5 2 जो 10 हो गया, अभी 9 था, 9 - 10 यानी -1 बचा आपके पास, -1 बचा। देन फिर यहाँ तो सिर्फ 1 ही आएगा, 12 से 12 कटने के बाद 1 - 1 और -5 कितना बचा, -6 बचा आपके पास, और नीचे 12 तो था ही, क्योंकि हमने 12 से 12/12 मल्टीप्लीकेशन कर रखी थी हमने, या 12 एलसीएम लिया था, इस तरीके से आप कंसीडर कर सकते हो। तो 6/12 बचा, इससे ये कैंसिल करोगे, ये 2 आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा, तो यहाँ से क्या आया इसको सॉल्व करने के बाद, 3 - 1/2, तो ये कितना होता है दोस्तों, ये होता है 5/2। अब ये 5/2 आया और एक्चुअल में यहां पे क्या था, क्वेश्चन मार्क का स्क्वायर अपॉन 10, यही था ना।
RHS में ये चल रहा था, तो इसको सॉल्व करके आपके पास 5/12 आया, फिर आपको क्या करना था, जस्ट 5/2 आया, तो जस्ट इसको कैंसिल करना था बस 5, और यहाँ 5 5 5 25, और 25 का जब अंडर रूट करोगे तो आंसर आएगा दोस्तों 5। देखो ये इधर चला जाएगा 5 मल्टीप्लीकेशन में, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में, और इसका जब आप रूट ले लोगे ये क्वेश्चन मार्क आ जाएगा, तो आपको क्वेश्चन मार्क की वैल्यू मिल जाएगी कितनी, 5। तो आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4th, 5। देखो अगेन देखो इस क्वेश्चन को, मिक्स फ्रैक्शन की रिप्रेजेंटेशन होती है ये, फटाफट करा, तो जैसे ही हमने मिक्स फ्रैक्शन का क्वेश्चन हमें देखने को मिलता है ना, तो फटाफट इंडिविजुअल नंबर को सॉल्व करो सबसे पहले, मिक्स फ्रैक्शन को छोड़ दो, ये 3 था, ये 2 था, ये माइनस 1 था, इसको भी इधर लेके आया, ये आ गया, और ये माइनस 1 था, तो -1 -1 यानी -2, और 2 ये प्लस का 2 है, माइनस का 2 मिला कैंसिल, यहाँ पे 3 बचा, तो 3 को अलग लिख लो फटाफट, लिखना ही पड़ेगा आपको क्योंकि ये याद नहीं रह सकता है बाद में आपको। आप क्या करो फ्रैक्शन वाले नंबर सॉल्व करो, फ्रैक्शन में क्या क्या बचा, 1/4 1/2 माइनस का 5/6 माइनस का 5/12 क्योंकि ये LHS में आ चुका है, तो 12 इनका LCM होगा, देखो 12 LCM हो गया, 12 LCM लेने के बाद क्या करते हैं फटाफट 12 के ऊपर देखते चले जाओ मल्टीप्लीकेशन हो रही है, नीचे वाले नंबर से कटना है, तो यहाँ 12 आएगा तो यहाँ 3 बचेगा, यहाँ से 6 आएगा हमारे पास, 12 को हम कैंसिल करेंगे 2 से, तो 6 आया, 6 प्लस 3 कितना हो गया 9, यहाँ से कितना आएगा 2, और 5 तो ऑलरेडी ऊपर आई, तो 5 × 2 10 हो जाएगा, 9 - 10 कितना हो गया -1, और यहाँ 12 से 12 बटोगे यहाँ 1 ही बचेगा, तो -5 आएगा, -1 और -5 कितना हो गया 6, और नीचे 12 चल रहा था, तो हमारा कितना बचा था ये 6/12। अब 6/12 को कैंसिल किया 1/2, 3 - 1/2 कितना होता है 5/2, और RHS में हमारे पास ऑलरेडी ये बचा हुआ था, इन नंबर्स को सॉल्व किया फटाफट, 2 से ये 5 काटा, 5 इधर, ये तो 25 देखते ही आपको ये स्क्वायर देखते ही सीधा 5 आंसर मार्क करके चलना था, ये कुछ भी हमें लिखना लिख के नहीं करना था, सिर्फ हमें इसको कैलकुलेट करना था फटाफट। और इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं मिक्स फ्रैक्शन को, इस तरीके से देखो, बहुत ही आसान क्वेश्चन था ये, बस क्वेश्चन करने का तरीका आपका अच्छा होना चाहिए, अप्रोच मायने रखती है, तो आप इस क्वेश्चन को भी बहुत आसानी से 20 सेकंड के अंदर कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अब ये देखो ये क्वेश्चंस मैंने लिया है क्योंकि मैंने आपको बताया था कि मैं फ्रैक्शन टू परसेंटेज तरीका भी होता है सॉल्व करने का, तो यही इस तरीके के क्वेश्चन ही उस मेथड से सॉल्व किए जाते हैं। अब देखो फटाफट ये भी मिक्स फ्रैक्शन का क्वेश्चन है, जल्दी से हम क्या करते हैं इंडिविजुअल नंबर को सॉल्व करते हैं, 5 है, ये माइनस का 7 है, ये इधर आके प्लस का 12 हो जाएगा, प्लस का 12 माइनस का 7 कितना बचा 5, और 5 + 5 10 बचा, देखो ये 5 - 7 किया, ऐसे कर लो चलो 5 - 7 - 2 बचा, और इधर आके प्लस का 12 था, -2 + 12 कितना हो गया 10 बचेगा, 10 इंडिविजुअल नंबर को सॉल्व करके आया। अब ये फ्रैक्शन वाले नंबर देखो ये कितने हैं, अब देखो इसका एलसीएम नहीं लेना है आपको, फ्रैक्शन वाले नंबर कितने बचे हमारे पास 1/4 माइनस का 1/5 माइनस का 1/10, जब भी आपको इस तरीके के नंबर दिखे ना, तो देखो 1/4 की फ्रैक्शन की परसेंटेज क्या होती है, इस फ्रैक्शन की परसेंटेज क्या होती है 25%, यही होता है ना ये, तो इसकी जगह हम कैसे सॉल्व करेंगे, इसको कैसे लिख करेंगे हम, देखो अब ये 25% इसको दिमाग में सोचो, माइनस इसको ये 20% सोचो, और ये कितना होता है 100%, ये 10% होता है, तो इसको 10% सोचो, ये सोचना पड़ेगा आपको। अब ये देखो ये आ गया 20% और ये आ गया 10% और ये आ गया 25%, तो 25% माइनस 20% 5% बचा प्लस का, 5% माइनस 10% माइनस का 5% बचा, तो यहां से कितना बचा, यहां से 5% बचा दोस्तों, माइनस का 5%, यानी इन नंबर्स को सॉल्व करके माइनस का 5% आया जब हमने फ्रैक्शन टू परसेंटेज मेथड से सॉल्व किया, तो इस तरीके की नंबर सॉल्व हो सकते हैं क्योंकि इनकी हमें कंप्लीट परसेंटेज मिलती है। बाकी आप उस तरीके के क्वेश्चन लाइक 5/6 था जैसे, तो इसको आप फ्रैक्शन में वो परसेंटेज में लेके चलोगे ना, तो ये बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा क्योंकि 1/6 क्या होता है 16.67%, तो वो आपको थोड़ा प्रॉब्लम देगा। और देखो इसकी फ्रैक्शन क्या होती है 1/20, ये कितना है 10, 10 - 1/20 कितना हो जाएगा ये 200 - 1 = 199/20 क्या 199/20 ऑप्शन में है? ऑप्शन में तो है ही नहीं दोस्तों ये 199/20, हो सकता है ऑप्शन गलत यहां पर टाइप हो गया है। तो देखिए आंसर हमारा 199/20 रहने वाला है, ऑप्शन में नहीं है, तो एक ऑप्शन आप और बना लीजिए, 6 ऑप्शन है हमारा NOTA, दैट इज तो नन ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर। तो इस तरीके से इसको सॉल्व करना था, तो ये मेथड भी बहुत अच्छा रहता है दोस्तों, बट ये इन्हीं नंबर्स के लिए एप्लीकेबल रहता है। फटाफट देखो दोबारा 1/4 - 1/5 कैसे इंडिविजुअल नंबर को सॉल्व करा, सॉरी पहले इनको सॉल्व करा, कितना आया 5 - 7 माइनस का 2 बचा, और प्लस का 12 था, -2 + 12 यानी 10 बचा मेरे पास। फिर मैंने फ्रैक्शन वाले नंबर देखे, इनको सॉल्व करा, इनकी परसेंटेज देखी फटाफट, ये 25% ये माइनस का 20
और ये इधर आके ये भी सॉरी प्लस का होना था, ये गलत ही क्वेश्चन सॉल्व हुआ है मुझसे दोस्तों, ये प्लस का होना था। देखो दोबारा करते हैं इसको, ओके प्लस का होना था ये 25 + 10 = 35, 35 - 20 = 15 बचेगा, यहाँ बचेगा 15% बचेगा, 15% की फ्रैक्शन होती है 3/20, तो ये कितना हो जाएगा, ये आएगा 197/20 आएगा है। तो ये हमारा करेक्ट आंसर रहेगा 197/20। यहाँ मुझसे गलती हो गई थी सॉल्व करते टाइम, ये मैंने माइनस का ले लिया था, बट एक्चुअल में ये प्लस का आना था। तो आंसर रहेगा दोस्तों 197। तो ये रहता है परसेंटेज मेथड, आई होप ये आपको समझ में आएगा आसानी से, लेकिन आपको ध्यान रखना है ये सिर्फ इन्हीं नंबर्स के लिए एप्लीकेबल रहता है, क्योंकि इन नंबर्स की हमें परसेंटेज बहुत इजीली मिल जाती है, कंप्लीट नंबर्स में मिल जाती है, डेसिमल में नहीं जाती। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट है, ये देखो देखने का बड़ा क्वेश्चन है, बट इसको अगर बहुत अच्छे से सॉल्व करोगे ना आप तो बहुत आसानी से ये सॉल्व हो जाएगा। फटाफट देखो, हमें सबसे पहले तो क्वेश्चन मार्क ही देख लो आप, क्वेश्चन मार्क का स्क्वायर निकालना, दैट मींस जो हमारा नंबर आएगा उसका अंडर रूट लेना है हमें। अब ये क्या होता है देखो, 12.5% होता है 1/8, फटाफट ये 1/8 देखा दिमाग में, और ये कितना था 648, ये कितना था 648, तो 648, बट इसको दिमाग में काट देना था आपको, 8 से इसको 648 सोच के दिमाग में काटते तो 81 आ जाता, इसे सॉल्व करा 81। अब ये देखो ये क्या है 25%, क्योंकि ये अप्रोक्सीमेशन का क्वेश्चन है, ऊपर देखना आराम से, अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालनी है, तो ये 25% हो गया, ये 364 हो गया, 364, 25% कितना होता है 1/4, ये कितना होता है 364। ये मैं आपको लिख के बता रहा हूँ, ये लिख के नहीं करना था आपको, सिर्फ 4 से सिर्फ ये 364 दिमाग में काट देना था 91 होके, और प्लस ये हो कितना होता है 20, यानी 1/20 होती है इसकी फ्रैक्शन, और ये कितना है 1060 मतलब 120 से हमने 1060 डिवाइड करना है, देखो 1060 डिवाइड करना है 20 से, सीधा क्या करना था आपको, ये 0 से 0 दिमाग में कैंसिल, और 106 का आधा, 106 का आधा कितना होता है 53, फटाफट बस ये हमारे पास आया, ये माइनस का चल रहा है। आप देखो इस क्वेश्चन मार्क को तो ऐसे रहने दो, हमने क्या क्या प्लस करना है, अब 53 प्लस करना था 91, ये तो कैंसिल है, 91 और 81, यानी 81 प्लस 91 प्लस 53, ये प्लस करना था। मैंने आपको प्लस तरीके करने का तरीका बता रखा है, नंबर को ब्रेक्स कर लो, ये आपके दिमाग में 80+1, ये 90+1, ये 50+3। अब देखो लास्ट वाले नंबर को देखो, 311 कितना हो गया 5, दिमाग में रखो, लिखना नहीं है दिमाग में रखो, 98 कितना हो, 80, 90 कितना हो गया 170 में 50 प्लस किया, 170 में 30 दे दो 200, और 20 और बचा तो 220, और 5 और बचा था मेरा तो 225 आ गया 225। इसका मुझे अंडर रूट लेना है, पहले मैंने आपको बता दिया था स्क्वायर है, तो स्क्वायर यानी जो मेरी वैल्यू होगी उसका अंडर रूट लेना है, तो उसका फटाफट अंडर रूट निकालोगे तो कितना आता है 15, तो आंसर क्या हो गया मेरा 15, तो ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था आपको, ये बिल्कुल भी, ये जो मैंने ये आपको समझाया ना, ये बिल्कुल दिमाग में करना था, दैट्स इट। फिर आपको दिमाग में करने के बाद चाहे आप सिंगल सिंगल नंबर लिख सकते थे बस कैलकुलेट करने के लिए, बट ये आपको लिख के नहीं करना था कि आप 1/8 लिख रहे हो, 648 लिख रहे हो, ये नहीं लिखना था, फिर आपको डायरेक्ट कट करके सिंगल सिंगल नंबर अपनी कॉपी पे लिखने थे, फिर इनको एक बार प्लस करके 225 दिमाग में सोच के और 15 आंसर मार्क करना था, ये भी आपको बिल्कुल नहीं लिखना था। एक इन नंबर्स के लिखने के बाद इंडिविजुअल के आपको जस्ट दिमाग में ही प्लस कर लेना था, इस तरीके से इस क्वेश्चन को करना था अगर आप एग्जाम पर्सपेक्टिव से देखो तो, अगर आप एग्जाम में बैठे होते तो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना दोस्तों, ये तो बहुत आसानी से समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो ऑलवेज मैंने बता रखा है 00% यानी परसेंटेज क्लियर, यहां से बचा 4, ये भी अप्रोक्सीमेशन का क्वेश्चन है, ये कितना है 150, और देखो डिवाइड बाई, यानी इस ब्रैकेट का डिवाइड है 50 से, यानी ये 150 बचा और डिवाइड में 50 है, तो 50 से 150 कैंसिल ही कर दो ना, दिमाग में 3 आ गया, तो मतलब यहां से कितना बचा 12 बचा। अभी देखो यहां पे थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है, ये क्वेश्चन मार्क का स्क्वायर है और क्वेश्चन मार्क के स्क्वायर के डिनोमिनेटर में है ये टर्म, पूरा ये वाला टर्म, तो इस टर्म को सॉल्व करोगे तो क्वेश्चन मार्क के डिनोमिनेटर में आएगा, यानी क्वेश्चन मार्क स्क्वायर कितना है न्यूमिनेटर में है और ये डिनोमिनेटर में ये वाला टर्म। देखो ये क्या है, ये 96 है और डिवाइड बाई ये 32 है, फटाफट 32 का 3 टाइम्स होता है 96, तो यहाँ पे 3 टाइम्स आना था ये, बट स्क्वायर के डिनोमिनेटर में आना था, तो फटाफट ये इधर जाएगा मल्टीप्लीकेशन में, कितना हो जाएगा ये क्वेश्चन मार्क की वैल्यू 36, और 36 किसका अंडर रूट होता है 6 का, तो ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। तो बस ये करना था, देखो दिमाग में ही करा मैंने, ये 3 कैसे आया, अगेन देखो इस क्वेश्चन को 400% देखा, यानी 0% के लिए काट दिया, 4 बचा, ये कितना था 150 और अपॉन में 50 था, ये वाला 50 था देखो अपॉन में,
दिमाग में चल रहा था ये अपॉन में 50 था, 150 कैंसिल होकर 3 आया, ये मल्टीप्लीकेशन होकर 12 आ गया, फटाफट आपको 12 देखना था बस, और ये सॉल्व करके आपको क्वेश्चन मार्क के स्क्वायर के नीचे 3 आ गया, 3 की मल्टीप्लीकेशन करनी थी दिमाग में 36, जैसे ही दिमाग में आता 6 आंसर लगा देना था, क्योंकि यहाँ पे क्या है स्क्वायर, तो इसका 36 का हमने अंडर रूट कर लेना था। नेक्स्ट ये था हमारा, तो ये कितना हो जाता है 6 आ जाता है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को दोस्तों सॉल्व करना था। आई होप आपको ये समझ आएगा बिल्कुल, जिस तरीके से मैं कर रहा हूँ ये मैं आपको एग्जाम पर्सपेक्टिव से बताता हूँ दोस्तों, पहले मैं सॉल्व भी करके दिखाता हूँ और आप जब एग्जाम में बैठे हो तो आपकी क्या सिचुएशन रहनी चाहिए, क्या दिमाग में चलना चाहिए वो भी बताता हूँ। तो ये चीज आपको बहुत इंप्लीमेंट करनी चाहिए अपनी प्रैक्टिस के अंदर। फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं, देखिए यहाँ पे ये क्वेश्चन मैंने लिया ये पॉइंट वाला, यहाँ पे आपको क्वेश्चन मार्क की वैल्यू निकालनी है, व्हाट कम इन द प्लेस, यहाँ पे आपको अप्रोक्सीमेशन नहीं निकालना है, ध्यान रखना कभी आप अप्रोक्सीमेशन लगा लो। अब देखो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, एक ये टर्म है, ये टर्म, देन ये, सबसे पहले इन दोनों को सॉल्व कर लो, इन दोनों को सॉल्व करोगे तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखो ऑलवेज याद रखना ये 0.125 ये कितना होता है, ये होता है 1/8, और 0.25 कितना होता है, ये होता है 1/4, इसको हम 1/4 कंसिडर करके चलते हैं, इसको हमेशा 1/8 कंसिडर करके चलते हैं, 0.7.5 भी आपको मिलेगा बहुत, देखो 75 पर ये होता है तुम्हारा 3/40, ये 3/40 होता है, तो ये हम कंसीडर करके चलते हैं दोस्तों इन पॉइंट्स वाले नंबर्स की जगह, ये जहां आपको 0.125 दिखेगा ना आपको 1/8 दिमाग में सोचना है, बहुत जल्दी से आसानी से क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। अब देखो इसको 1/8 सोचा, 1/8 यानी 8 डिवाइडेशन में आ गया, 8 से फटाफट इसे कैंसिल कर दो, कितना है ये 1/8, 8 से फटाफट इसे कैंसिल करो, ये 80 बचा, ये ऑफ परसेंटेज 25% इसकी फ्रैक्शन क्या होती है 1/4, यानी 4 से और कैंसिल कर दो 20 बचा, इससे सॉल्व करके मेरे पास 20 आया दिमाग में प्लस। अब इसको सॉल्व करते हैं, देखो ये कितना बचेगा, इसको देखा हमने 75% 750 कितना होता है, ये होता है 340 नहीं होता है 750, 7.5 की मिलेगा आपको, ये अपॉन में इसके 10 आएगा तो ये आपको 15/10 मिलेगा, 15/10 देखो इसको लिखते हैं हम, यहाँ पे आप देखोगे तो ये आपको मिलेगा यहाँ से पॉइंट से, यहाँ से जब ये कैंसिल जाता है तो आपको ये 15/2 मिलता है, तो ये 15/2 इसको कंसीडर करके चलते हैं हम। अब देखो ये 7.5 है और ये परसेंटेज है, 75% कितना होता है दोस्तों, 75% होता है 3/4, 75% 3/4 होता है लेकिन पॉइंट है तो आपको एक जीरो लगाना पड़ेगा नीचे, तो 3/40 हो जाएगा ये, इसकी फ्रैक्शन क्या होती है 3/40, तो आपको दिमाग में बस 3/40 आना चाहिए था, 3/40 से इसको कैंसिल कर देना था, सिर्फ कैंसिल करना था 240 को, ये कितना जाएगा, ये 4 से काटोगे 6 3 जाएगा कितना हो जाता है 18 प्लस 20 यानी 38 आ गया, ये 20 और प्लस 18 ये 38 आ गया, इसको आपको फ्रैक्शन सोचनी, इसकी फ्रैक्शन होती है 1/6, 16.67% की फ्रैक्शन होती है 1/6 इंटू क्वेश्चन मार्क, तो यानी 6 की मल्टीप्लाई यहाँ पे करनी थी हमें 38 से, किस तरीके से मल्टीप्लीकेशन करेंगे, देखो इसको 38 को सोचो दिमाग में, 40-2 × 6, 6 की 40 से करोगे कितना आएगा 240 और 6 की 2 से करोगे 12, तो 240-12 कितना आ गया 228, तो ऑप्शन ये क्वेश्चन मार्क की वैल्यू हो जाएगी आपके पास 228, तो हमारा ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इसकी फ्रैक्शन ध्यान रखना आप, 7.5 क्या रहता है, 7.5 रहता है 15/2, तो 7.5 को 15/2 लिखते हैं, ये मैं परसेंटेज की वजह से यहाँ पे कंफ्यूजन की वजह से मैंने ये लिख दिया था। तो दोस्तों 7.5 को ऑलवेज हम 15/2 कंसीडर करके चलते हैं, 0.25 को हम 1/4 और 0.125 को हम क्या करते हैं 1/8, अगर आप यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन करने लग जाते ना तो आप समझ के चलिए बहुत टाइम वेस्ट हो जाता है, या आप ये करते कि पॉइंट हटा के नीचे जीरो लगा के फिर कैंसिल आउट करते तब भी आपका थोड़ा टाइम तो वेस्ट ही होता ना, तो उससे बेटर है कि हम याद कर लें कि 0.125 ऑलवेज 1/8 होता है, तो ये चीजें होती हैं थोड़ी सी हमें जो याद करके चलने की जरूरत होती है। देखो दोबारा देखो इस क्वेश्चन को, 0.125 कितना होता है 1/8 दिमाग में कंसिडर करा, 8 से 1 काटा 80 टाइम्स, 25% की फ्रैक्शन होती है ये 1/4, 1/4 से और काटा तो कितना आ गया 20, तो यहाँ पे कितना आ गया 20, अब इसको सॉल्व किया 75, अब देखो 75 का क्या था, 75% होता है 3/4, सही है, अब यहाँ पॉइंट लगाऊंगा तो यहाँ एक जीरो लगानी पड़ेगी नीचे, तभी तो यहाँ पॉइंट लगाने के लिए यहाँ 10 से डिवाइड करना पड़ेगा, यहाँ 10 से डिवाइड करूंगा तो इधर भी 10 से डिवाइड करूंगा, दैट मीन्स यहाँ 40 करना पड़ेगा, तो इसकी फ्रैक्शन होती है ये 3/40,
तो 3/40 240 से ये काटा, 6 टाइम गया, 6 into 3 जा 18 आ गया, तो 20 प्लस 18 फटाफट 38 लिखा, और ये 1/6 होती है इसकी फ्रैक्शन, तो यहाँ पे 38 से मल्टीप्लाई कैसे करना था, 40 माइनस 2 कंसीडर करके, 40 से करा 240 आया, 6 की मल्टीप्लाई 40 से करी 240 आया, 2 से करी 12 आया, 240 माइनस 12 228 आ गया, ऑप्शन नंबर 3 इज द आंसर। अब दोस्तों देखो क्वेश्चन नंबर 6, ये दो पॉइंट वाला क्वेश्चन है और इसको बहुत ध्यान से देखना, ये क्वेश्चन देखते ही कुछ बच्चे हड़बड़ा जाते हैं और छोड़ भी देते हैं इस क्वेश्चन को, बट इसमें छोड़ने वाला कुछ नहीं है। देखो पॉइंट के बाद को आपको डिजिट 3 डिजिट मिल रही है, पॉइंट के बाद तो सेम ही डिजिट चल रही है ना, तो सबसे पहले आप पॉइंट के बाद की डिजिट सॉल्व कर लो दिमाग में, प्लस माइनस करना मैंने आपको बता ही रखा है किस तरीके से करते हैं, अब इसमें प्लस माइनस ही तो करना है और कुछ नहीं करना है। कैसे सॉल्व करेंगे, देखो इंडिविजुअल नंबर वो नंबर्स को ब्रेक कर लो फटाफट, 340 ये दिमाग में चला 300 प्लस 40 और ये इधर आ गया 114, तो देखो 314 ये था माइनस का 427, अभी ये पॉइंट्स के नंबर्स पॉइंट के बाद के डिजिट सॉल्व कर रहे हैं हम, ठीक है। अभी सिर्फ आपको दिमाग में यही चलना था आपके, अभी आपको पॉइंट से पहले की डिजिट उठानी नहीं है, सब सिर्फ ये सॉल्व करो, ये नंबर इधर आ जाएगा तो ये माइनस का 114 हो जाएगा, देखो 114 और 314 फटाफट ये देखते ही दिमाग में कैंसिल था, यहाँ पे बचता 200 आपके पास, 200 बचता आपके पास यहाँ पर, और 200 जैसे ही बचता, प्लस का 200 बचा आपके पास, माइनस ये देखो 400 प्लस ये क्या है नंबर को इसको सोचो, 400 प्लस 27 माइनस का, तो यहाँ पे लगा हुआ है, और इसको सोचो 900 प्लस 28, इसको ऐसे सोच के चलना था आपके पास, 900 माइनस 27 कितना बचेगा 1 बचेगा, और 900 माइनस 400 कितना बचेगा 500 बचेगा, यानी 500 और 1 500 1 हो गया, 500 1 आने के बाद इसमें 200 और प्लस करना तो कितना जाता है यहाँ पे 701, तो पॉइंट के बाद ये डिजिट आनी है 704, 3 डिजिट ही मिली हमें तो हमारा कैरी कोई नहीं जाएगा, दैट मीन्स 3 की 3 ऐसी आएंगी सेम, तो ऑप्शन में आप देख सकते हो 701 इसमें भी है और इसमें भी है और साथ में नन ऑफ दीज भी है, तो कुछ भी हो सकता है, तो हमें पूरा कैलकुलेट करना पड़ेगा, अगर नन ऑफ दीज नहीं होता और एक ही ऑप्शन में 7 पॉइंट के बाद 701 होता तो हम वो ऑप्शन के साथ मार्क करके आ सकते थे, हमने ये नंबर कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं पड़ती, ये वाले ये नंबर हमने कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं पड़ती दोस्तों, बट यहाँ पर ऑप्शन में खेला गया हमारे साथ तो हमने पूरा कैलकुलेट करना पड़ेगा। एक बार आप ये जरूर देखो ये किस तरीके से मैंने कैलकुलेट किया, इसमें शायद आपको कंफ्यूजन हो जाएगा, देखो किस तरीके से कैलकुलेट किया, ये देखा 314 ये देखा माइनस का 427 और यहां से ये उठाया, यहां से ये ये कितना था प्लस का 928, ये डिजिट उठाई मैंने दिमाग में चल रही है डिजिट 114, ये देखा 114, ये देखा 314, इनको सॉल्व किया दोनों को माइनस किया 200 आ गया, ये देखा ये 427 है माइनस का, ये देखा प्लस का 928 है, अब देखो ये 900 प्लस 28 है, 900 माइनस ये 400 माइनस 27 है, तो 900 में से 400 घटाओ कितना बचा 500 बचेगा आपके पास प्लस का, और प्लस यहां से 28 में से 27 माइनस कर दो कितना बचेगा आपका प्लस का 1, जब इनको आप प्लस करोगे तो ये 700 ये 1 यानी 701 हो गया, इस तरीके से हमने ये सॉल्व कर लिया, यानी पॉइंट के बाद ये डिजिट आनी है, ये तो दिमाग में आ गया, आप देखो इन नंबर्स को सॉल्व करते हैं फटाफट, इन नंबर्स को किस तरीके से सॉल्व करेंगे, अब देखो ये नंबर सॉल्व करेंगे, ये भी दिमाग में सॉल्व कर सकते थे, आप कैसे करेंगे देखो फटाफट, ये देखो करीब नंबर है एक दूसरे के, इनका डिफरेंस ज्यादा नहीं आएगा, 28 और 31 दोनों ही पास के नंबर है, डिफरेंस देखा कितना आया माइनस का 3 आ गया, देखो 28 और माइनस का 31 डिफरेंस देखा, यानी माइनस का 31 में से 28 प्लस करोगे, एक माइनस का एक प्लस का नंबर है 3 आ गया जो कि माइनस का, तो माइनस का 3 आया आपके पास, ये भी इधर लेके चले जाओ, ये माइनस का 29 हो रहा है हमारे पास, और ये हमारे पास 1113 है, प्लस का 113 है ही, अब देखो ये माइनस 3 और ये 3 ये तो कैंसिल ही हो जाएगा सही है, और यहां से 21 और घटाना है 29 सॉरी और घटाना है, तो कितना बचेगा 81 बचेगा नहीं बचेगा, देखो किस तरीके से करा, आप कंफ्यूज हो सकते हो, देखो ये क्या है, ये नंबर है 100 प्लस 13 या इसको एक मिनट आप 100 प्लस 13 नहीं इसको ये सोचो, देखो ये है 1110 प्लस 3 माइनस 3 माइनस 29, सिर्फ दिमाग में ये चलना था आपके पास, तो ये वाले 3 से ये माइनस 3 कैंसिल हो जाएगा और ये 29 1110 में से घटा दो
ये 29,110 में से घटाओगे तो कितना बचेगा आपके पास? सबसे पहले देखो क्या करो, -30 कर दो आप, -30 करोगे तो आपके पास 80 बचेगा और 1 और प्लस कर दो, सही है नहीं? इस तरीके से आप कर सकते हो, या फिर आप क्या कर सकते हो, नंबर्स को देख लो ब्रेक करके, ये 10 है और ये 100 है, 100 में से 20 घटाओगे 80 बचेगा और 10 में से 9 घटाओगे तो 1 बचेगा, तो यानी 81 बचेगा। तो इन नंबर्स को सॉल्व करके 81 आना था, तो यहाँ पे कितना आ गया दोस्तों, 81.701। तो ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। तो इस तरीके से हमने सॉल्व करना था इसको, इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते थे बहुत ही आसानी से इसको। आप जहां तक इसमें आपको कंफ्यूजन हो जाएगा दोस्तों, बट ये नंबर्स ब्रेक करके मैंने सॉल्व करके दिखाया है, देखो किस तरीके से करना था। आप अगेन देखो, -3 28 -31 किया मैंने तो मेरे पास बचा -3। ये नंबर मेरा लेफ्ट हैंड साइड जाके -29 था और ये मेरा 1113 था। ये मैंने इसको दिमाग में सोचा, ये 1110 प्लस 3, यानी 3 से ये वाला 3 तो कैंसिल, अब 29 और माइनस करना है 1110 से। तो मैंने इसको नंबर को ब्रेक करके सोचा दिमाग में कि ये 100 प्लस 10 है, ये 100 प्लस 10 है, यानी 10 में से ये वाला 9 घटाऊंगा तो 1 बचेगा और 100 में से ये वाला 20 घटाऊंगा तो 80 बचेगा, तो 80 प्लस 1 कितना हो गया 81, तो 81.701 इसका करेक्ट आंसर। तो ये सारे क्वेश्चंस थे दोस्तों, आई होप आपको ये काफी कुछ इसमें सीखने को मिला होगा। और आपको ये क्वेश्चन अगर अगेन प्रैक्टिस करने हैं तो आप जो है चैनल ज्वाइन कर लीजिए, टेलीग्राम चैनल, उसमें मैं आपको इसकी पीडीएफ दे दूंगा। चैनल आपको मिल जाएगा @bankingdirection, जब आप सर्च करेंगे टेलीग्राम पर बैंकिंग डायरेक्शंस, जैसे ही आप सर्च करेंगे विदाउट स्पेस तो आपको मेरा चैनल मिल जाएगा, तो उसे ज्वाइन कर लीजिए, वहां पर आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी, तो आप ये क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लीजिएगा। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, शेयर जरूर करना दूसरे बच्चों के साथ, ताकि सारे बच्चों को सीखने को कुछ ना कुछ मिल सके। थैंक यू सो मच।